नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है रवन कुमार जी, मुंगेर बिहार से। कान के बहने, सुनाई में गिरावट व अन्य तकलीफों के चलते हमारे पास पहुंचे हैं, और अब हम एक बार रवन जी से जानना चाहेंगे। रवन जी, आप देश के राष्ट्रीय अन्य स्तर के जो राष्ट्रीय स्तर के जो अस्पताल है वहाँ गए, आपने कान का चेकअप कराया, वहाँ पर आपको क्या बताया गया? सर, उन्होंने बोला सर कि जब दवाई दिए वो डॉक्टर साहब, तो फिर कान की क्या तकलीफ बताई उन्होंने, कान में क्या तकलीफ? उन्होंने बोला कि मैस्टोडाइटिस हो, मैस्टोडाइटिस हुआ है सर, और सुनाई में गिरावट उन्होंने बताया जी। कितना परसेंट गिरावट बताया? लगभग इस कान से तो सर 18% था, और ये 53% था। अच्छा अच्छा जी, लगभग 50% सुनाई में गिरावट जी। अच्छा, और किस प्रकार का ऑपरेशन होना आपको बताया गया? सर, उन्होंने बोला सर पीछे से चीरा लगा के किया जाएगा, तो सर उसके लिए राजी नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हम रमन जी के कान का सबसे पहले अध्ययन करना चाहेंगे और आंतरिक रूप से देखना चाहेंगे कि क्या चल रहा है। लेफ्ट ईयर आप इस तरफ देखें, साथी कण आप देख पाएंगे मॉनिटर पे। So here we see discharge in C2. With anterior superior disease. Okay. Stream is okay. Okay. अब टीम द्वारा आपकी तकलीफ के लिए विस्तृत अध्ययन किया जाएगा और हर संभव प्रयास किया जाएगा दूरबीन द्वारा आपकी तकलीफ के निवारण की दिशा में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हमारे साथ में है रमन कुमार जी, मुंगेर बिहार से। रमन जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रमन कुमार हुआ और जी, मैं मुंगेर जिला का निवासी हूँ जी, और यहाँ मैं अपना कान का ऑपरेशन करवाने के लिए आपके पास आया। कान में आपको क्या तकलीफ रही? कान में 4 महीने पहले मुझे थोड़ा सा दर्द हुआ जी, और दर्द होने के बाद फिर उसका जांच कराया गया, तो उसमें मैस्टोडाइटिस नामक बीमारी निकली, जिन्होंने चीरा विधि से मुझे इस बीमारी को दूर करने का निर्णय दिया, लेकिन हम सोचे ऑपरेशन लेजर विधि से ही किया जाए जी। पूर्ण आंतरिक विधि के ऑपरेशन के लिए आप अशोक बेस्ट हेल्थ केयर जयपुर पहुंचे हैं जी, और हड्डी में इस गलन की बीमारी के लिए दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन किया जाएगा, ट्रांस कैनाल मेथड से, और सबसे पहले संवेदना अरण्य निश्चेतन की प्रक्रिया होगी ताकि ये पूर्ण प्रक्रिया दर्द रहित रहे। ऑपरेशन के दौरान पश्चात हम आपसे फिर मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट। रवन कुमार जी, आपके मैस्ट्रोइड डिजीज जिसे निकाल दिया गया है और कोलेस्टोटोमा टिश्यू हम देख पा रहे हैं, और ये पॉलिप जिसे निकाल दिया गया है, और खराब अस्थियाँ मेलियस इनकस निकाले जाने के बाद में हम देख पा रहे हैं, और अस्थियों के निर्माण के लिए पार्शियल ओसिकुलर रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेसिस का प्रयोग किया जाएगा, जिसे प्लेस करने के बाद सुनाई की क्षमता की जाँच की जाएगी। ठीक है, दिखाइए जी, आपको दिखाएंगे ऑपरेशन के बाद दिखाएंगे। यहाँ हम रमन जी के आंतरिक कान को देख रहे हैं, नीट एंड क्लीन है। कान का पिछला हिस्सा एक बार दिखा दीजिए। कान के पिछले हिस्से को हम देख रहे हैं, नीट एंड क्लीन है, या किसी प्रकार का चीरा का टांका निशान नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ है, और अब ड्रेसिंग करके आपको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, एक बार चेहरा दिखा दीजिए, आंखें खोल लीजिए, जीभ बाहर निकालिए, दांत दिखाइए, दांत, हाँ ठीक है, फेशियल नर्व फंक्शन इंटैक्ट, आंखें बंद कीजिए, खोलिए, ठीक है।